नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, IRCTC ने अपने टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब आप इस डॉक्यूमेंट के बिना ट्रेन टिकट बुक नहीं कर सकते हो। आखिर भारतीय रेल टिकट बुकिंग में क्या बदलाव किया है दोस्तों, क्या है रेलवे का नया नियम, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेल के नए नियम के अनुसार आपको टिकट बुकिंग के लिए अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना होगा। जी हाँ, अब आप अकाउंट वेरीफाई के बिना रेल टिकट बुक नहीं कर सकते हो। आपको बता दें, भारतीय रेल की सहयोगी कंपनी IRCTC के नियम के अनुसार अब यूजर्स को टिकट बुक कराने से पहले मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के बिना ऑनलाइन टिकट बुकिंग आप नहीं कर सकते हो। दरअसल दोस्तों, होता यूं है कि IRCTC अकाउंट के काफी यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से लेकर अब तक ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कराया है। यह नियम ऐसे लोगों के लिए लागू हुआ है, यदि आपने भी लंबे वक्त से टिकट बुक नहीं कराया है तो पहले वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको IRCTC के ऐप या वेबसाइट पर जाएं और वेरिफिकेशन विंडो पर क्लिक करें। उसके बाद आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें। दोनों जानकारी दर्ज करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा। इसे दर्ज करके मोबाइल नंबर वेरीफाई करें। इसी तरह ईमेल आईडी पर आई कोड को दर्ज करने के बाद आपका मेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप इस अकाउंट से किसी भी ट्रेन के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि अब रेलवे में एक यूजर आईडी पर महीने में अधिकतम टिकट बुक कराने की लिमिट को 12 से बढ़ाकर 24 कर दिया गया है। जी हां, आधार से लिंक यूजर्स आईडी से अब आप महीने में 24 टिकट बुक करा सकते हो, जो कि पहले 12 टिकट बुक हुआ करती थी। तो दोस्तों, रेलवे का ये नया नियम आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।